Hello friends, welcome to the IBPS Guides, the official YouTube channel. IBPS Guide के official YouTube channel पर friends आपका स्वागत है. आज हम discuss करेंगे railway के बारे में. Railway की जो 13,000 plus vacancies आई है junior engineers की, ये apply कर सकते हैं diploma और degree जिन्होंने किया हुआ है, तो वो इसके लिए apply कर सकते हैं. साथ ही आज हम discuss करेंगे कितनी vacancies हैं, eligibility criteria क्या हैं, reasons wise vacancies, सिलेबस, सिलेक्शंस प्रोसेस और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं उनके बारे में, जो आपके डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर किए जाएंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सारे जो रेलवे जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की. तो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे वो होंगे 2 जनवरी से. 2 जनवरी की मॉर्निंग में 10 AM से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, बात करते हैं लास्ट डेट की. जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 31 जनवरी. 31 जनवरी की नाइट में 12 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट की. तो पेमेंट कब तक कर सकते हैं आप? 5 फरवरी 2019 तक आप पेमेंट कर सकते हैं. 5 फरवरी तक 10 PM तक आपका पेमेंट हो जाना चाहिए इस वैकेंसीज के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं जनरल वालों के लिए. जो फी है वो रखी है 500 रुपीज़, और जो SST और अदर कैटेगरीज है उनके लिए 250 रुपीज़ की फीस रखी गई है. ठीक है, ये था फीस स्ट्रक्चर एंड डेट्स. अब बात करते हैं लास्ट डेट जो सबमिशंस का रहेगा वो रहेगा 7 फरवरी. 7 फरवरी को नाइट में 12 PM के बाद कोई भी प्रोसेस नहीं रहेगी, फाइनल सबमिशंस हो जाएगा. ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स. अब बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट CBT की. तो जो CBT है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. ठीक है, और इसके जो डेट रखी गई है टेंटेटिव डेट्स वो है अप्रैल मई में आपका CBT 1 होगा, और अभी चल रहा है जैन. ठीक है, तो आपके पास 3 मंथ मीन्स 120 डेज आपके पास सफिशियंस टाइम है इसकी प्रिपरेशंस करने के लिए. तो हमारे इस वीडियो के जो यूट्यूब वीडियो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी क्लासेस IBPS गाइड आपके लिए लेकर आएगा. साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट है वो भी आपके लिए प्रोवाइड कराएगा. टेक्निकल क्लासेस स्टार्ट होगी, बस आप कमेंट्स करिए. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ. तो जो वैकेंसीज हैं वो हैं जूनियर इंजीनियर्स की 12,844 वैकेंसीज है. ठीक है, और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा और डिग्री की हुए रिलेवेंट ट्रेड से, जो भी फील्ड है उनका उससे ये अप्लाई कर सकते हैं. इसमें आपको जो वैकेंसीज है वो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और सिविल इंजीनियर्स. ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर्स में. बात करें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जो IT है उसके लिए 29 पोस्ट है, और इसमें जिन्होंने PGDCA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, BCA किया हुआ है, BTEC किया हुआ है इन ITCS. ठीक है, और DOESEC का B लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 29 पोस्ट है IT के लिए. अब बात करते हैं DMS की. जो डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट है उसके लिए 227 पोस्ट है, और इसमें जितने भी इंजीनियर या डिप्लोमा या डिग्री है इंजीनियर से रिलेटेड वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूँ, सभी कर सकते हैं इसमें इंजीनियर की जो डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए. अब बात करते हैं केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट्स की. तो इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है, इसके लिए जो पोस्ट हैं सबसे पहले वो बात कर लेते हैं, 387 पोस्ट हैं, और इसमें आपका बैचलर डिग्रीज होना चाहिए साइंस में. ठीक है, विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्ट्रीम्स, और जो परसेंटेज है क्वालिफिकेशंस वो 45% से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज 45%. ठीक, इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो 13,487 वैकेंसी है. क्लियर हो गया. अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस. तो सिलेक्शन जो होगा वो आपका वो होगा 4th फेज में. जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट स्टेज CBT होगा, देन सेकंड स्टेज CBT होगा. बता दें आपको जो फर्स्ट स्टेज CBT होगा ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा. इसमें 15 टाइम्स स्टूडेंट्स लिए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए. ठीक है, नेक्स्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस,
और देन फोर्थ प्रोसेस रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशंस, ये आपका सिलेक्शंस प्रोसेस रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज सीबीटी की। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो है वो सभी जो पोस्ट हैं उनके लिए कॉमन है, ठीक है। 90 मिनट्स का ड्यूरेशंस दिया गया है इसमें और जो टाइम है वो 90 मिनट्स का है, पेपर आपका 90 मिनट्स का होगा, समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइसेस रहेगी, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। अब ये कितने मार्क्स के रहेंगे और क्या क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, तो मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 30 नंबर्स क्वेश्चंस रहेंगे और इनके मार्क्स अलॉटेड रहेंगे 30, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की बात की जाए तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 की मार्किंग रहेगी। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का रहेगा और 15 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल साइंस 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 नंबर की मार्किंग रहेंगी। इस तरीके से जो टोटल क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है 100 और जो टोटल मार्किंग है वो भी है 100। और जो मिनिमम परसेंटेज की बात की जाए फ्रेंड्स, तो मिनिमम परसेंटेज क्वालिफिकेशंस है अनरिजर्व के लिए 40%, मीन्स 100 में से 40 नंबर्स लाना आपको जरूरी है। उसके बाद ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, ठीक है। और एज रिलेक्शन है 2% का पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड स्टेज सीबीटी की। तो सेकेंड स्टेज सीबीटी जो है ये भी कॉमन फॉर ऑल, बट इसमें जो टेक्निकल होगा वो अलग होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल ड्यूरेशंस की। तो जो टाइम दिया जाएगा आपको सेकेंड पेपर के लिए वो रहेगा 120 मिनट्स का, मीन्स आपके पास 2 घंटे रहेंगे इस पेपर को करने के लिए। उसमें क्वेश्चंस रहेंगे 150 क्वेश्चंस, ठीक है। 150 क्वेश्चंस करना पड़ेंगे आपको 2 घंटे में। अब बात की जाए ये क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, तो ये क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइसेस रहेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो सेम जनरल अवेयरनेस आपका इसमें भी आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस और जो मार्क्स रहेंगे वो 15 मार्क्स रहेंगे। साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री सेकेंड जो है फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा इसमें, ये रहेगा 15 क्वेश्चंस रहेंगे और 15 मार्क्स का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा। बेसिक कंप्यूटर की बात की जाए तो 10 क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड और ये रहेंगे 10 मार्क्स के। फोर्थ जो है बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये भी आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एबिलिटी, ये दिस इज द एडवांटेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। जो 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे ये, और ये ही मेन जो है चेंजेस लाएगा आपकी एग्जाम्स के लिए। 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स बहुत ज़्यादा। तो टेक्निकल की तैयारी आप साथ के साथ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो सेकेंड स्टेज होगा इसी पर डिपेंड होगा आपका सिलेक्शंस। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल बात की जाए तो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल जो मार्किंग्स रहेगी इनके लिए 150 रहेगी। इसमें भी जो मिनिमम परसेंटेज रखा गया है क्वालिफिकेशंस का वो है अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25% और पीडब्ल्यूडी के लिए 2% रिलैक्सेशन से। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब रीजन वाइज वैकेंसीज की। तो यहाँ पर मैं वैकेंसीज बताना चाहता हूँ कि जो अहमदाबाद रीजन है वहाँ से 399 वैकेंसीज हैं, अजमेर से 825 वैकेंसीज हैं, इलाहाबाद से 1446 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये इलाहाबाद से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स। और 708 वैकेंसीज बेंगलुरु से 708 वैकेंसीज हैं, ठीक है। भोपाल से 383 वैकेंसीज हैं, भुवनेश्वर से 242, बिलासपुर से 404, चंडीगढ़ से 996, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं चंडीगढ़ से। और चेन्नई से भी काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं फ्रेंड्स, 1183 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। गोरखपुर अगेन 645, गुवाहाटी 586, ये भी अच्छा रीजन है आपको चूज़ करने के लिए। जम्मू कश्मीर 460, कोलकाता 1519 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं कोलकाता से भी। मालदा अगेन 248,
मुंबई 1544 पोस्ट, यहाँ से भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, और मुजफ्फरपुर 114 वैकेंसीज हैं, पटना से 299 वैकेंसीज हैं, रांची से 365 वैकेंसीज हैं, सिकंदराबाद से 790, सिलीगुड़ी से 195 और तिरुवनंतपुरम से 137। इस तरीके से जो टोटल वैकेंसी हो 13,487 वैकेंसीज है। आप इन वैकेंसीज को, रीजन वाइज वैकेंसी को अच्छे से देख लीजिए, और जहाँ से भी आपको लगता है मुझे भरना चाहिए वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने कुछ मार्क्स कर रखे हैं, इलाहाबाद, बेंगलुरु, ठीक है, अगेन चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, ये कुछ रीजन्स है, काफ़ी अच्छी पोस्टेज है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी आप एक बार सोच कर बढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे स्केल्स क्या रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, जो यहाँ सैलरी रहेगी आरआरबी जूनियर इंजीनियर्स की स्टार्टिंग सैलरीज, वो रहेगी 35,400 रुपये, ठीक है। 35,400 रुपये ये रहेगा 6 CPC के हिसाब से। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स ग्रुप जो अप्लाई कर सकते हैं आप। तो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियर्स के लिए जो जो वैकेंसीज है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अबोव डिसिप्लिन्स, ठीक है। इसके लिए आप मैकेनिकल इंजीनियर्स और अलाइड इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है सेकेंड नंबर पर इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियर्स की। तो ये हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कंबाइंड ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन बात आती है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग। तो ये हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम्स ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अबोव डिसिप्लिन, ठीक है। ये थी ग्रुप वैकेंसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब बात आती है सिविल के लिए। तो सिविल वालों के लिए जो वैकेंसीज है वो सिविल इंजीनियर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, देन बी एस सी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स डिप्लोमा, ये अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। साथ ही साथ जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं वो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग किए हुए, ठीक है। CMA में कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने BSc और केमिस्ट्री इन फिजिक्स किया हुआ है वो CMA में अप्लाई कर सकते हैं, CMA ग्रुप में वो होंगे, ठीक है। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो BA BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, या BA BTech किया हुआ है IT से, ये भर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रुप में। देन PGDCA किए हुए भी भर सकते हैं, साथ ही साथ जिन्होंने BSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं BCA। नेक्स्ट DOESSC जो बी लेवल का सर्टिफिकेट होता है 3 ईयर्स का रहता है इसका ड्यूरेशन, वो भी इसके लिए इक्विवेलेंट जो है भर सकते हैं, ठीक है। ये थे कुछ एग्जाम्स ग्रुप, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने सारी प्रोसेस बता दी है, सारा सिलेक्शन बता दिया, अपना आप फॉर्म फिल करें, हम आपके साथ बहुत सारे नोटिफिकेशंस जो रेलवे RRB के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक।